मंदसौर जिले में प्रत्येक रविवार को पूरे क्षेत्र में मार्केट बंद होने की प्रक्रिया कोरोना वायरस के चलते रहती थी। वह प्रक्रिया शासन द्वारा बंद कर रविवार को बाजार चालू रखने के निर्देश दिए गए थे, परंतु व्यापारियों ने आज अपनी स्वयं की इच्छा से अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखा। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण भी मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार लॉकडाउन के कारण किसान खरीदी करने नहीं आने के कारण आज उसी वजह से नगरीय क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखा। अभी नए निर्देश आए हैं कि कोरोना के कारण जो शनिवार शाम से कर्फ्यू और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहता था, वो अभी मैंने माननीय हमारे एडीएम सर हैं अभी ऋषभ गुप्ता सर, उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि रविवार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। सर, कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, निरंतर आपके क्या प्रयास रहे? संख्या बढ़ती जा रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो सैंपल लेने की प्रगति वो कम है, इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट हमें कम लगती है और पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा लगती है। तो इसमें सबसे पहला कदम हम ये उठा रहे हैं कि प्रति विकास खंड हम 200 सैंपल प्रतिदिन लें। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव रिपोर्ट जो आएगी उनकी संख्या भी कम होगी और लोगों की जाँच होने से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात जो आपने अभी चर्चा में और अनौपचारिक चर्चा में आपसे मैंने कही थी कि मैं एक बहुत जल्दी तीनों नगर पालिकाओं के लिए अनाउंस शायद कल या परसों में तैयार करके उसको इनकी गाड़ियों पर लगवा दूंगा, जिसमें क्लियर कट होगा कि जो व्यक्ति मास्क पहने हुए नहीं मिलता है उस व्यक्ति पर 100 से 500 रुपये दंड, और यदि जो व्यक्ति बिना मास्क के जो व्यापारी इनको सामान देता उस पर 5000 रुपये स्पॉट फाइन। लगभग ये कार्रवाई मैं तीनों नगर पालिकाओं में बहुत जल्दी कराऊंगा, क्योंकि लोगों में जैसे ही अनलॉक हुआ लोग घरों से बाहर निकले तो एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर उन्होंने मास्क जैसी चीज़ को नज़रअंदाज किया, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए उसको नज़रअंदाज किया, जबकि सोशल डिस्टेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। कैनन न्यूज़ के लिए भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।